हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम लोग देखेंगे कि आयुष की जो काउंसलिंग हुई थी पिछले साल, तो उस समय मॉपअप राउंड जो हुई थी, तो मॉपअप राउंड के बाद किस सीट्स तक यानी कि किस रैंक तक जो है कॉलेजेस मिली थी, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं कैटेगरी की एब्रिविएशंस यहाँ पर लिखी हुई है, और उसके बाद जो ये CUN है, ये है हमारा गवर्नमेंट कॉलेजेस और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए, जैसा सबसे पहले हम लोग जनरल का देखेंगे कि जनरल को कहाँ तक जो है किस रैंक तक यानी कौन सा रैंक लास्ट रैंक था जिस रैंक पर जनरल को जो है सीट मिली है। ये रैंक है 74,195 यानी 74,195 रैंक जो है ये है जनरल की रैंक। ये लास्ट रैंक है जिस रैंक पर जो है इन्हें कॉलेज मिली थी। ओके गाइज, जो कॉलेज में आपको कोर्स मिली थी वो BHMS मिली थी, ठीक है। अब अगर हम आगे देखते हैं दूसरी कैटेगरी की, तो दूसरी कैटेगरी की आगे है हमारे पास 85,360। ओके, तो ये जो है ये EWS की है और इन्हें BHMS मिली थी, राइट। तो ये कितना था हमारा, 85,360 था, राइट। अब अगर हम दूसरी कैटेगरी की देखें, तो ये है हमारा OBC का और इनका जो है 86,656 है, ये वाला है आप देख सकते हैं, और इन्हें भी BHMS मिली थी। तो ये हो गया आपका OBC कैटेगरी का, राइट। तो आप यहाँ कॉलेज का नाम भी देख सकते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी। तो और अगर हम आगे देखते हैं, तो जो SC कैटेगरी की अगर देखें, तो है इनका 1,67,769 है, ये वाला सीट आप देख सकते हैं, और इन्हें BHMS मिली थी। और तो ये वाला है आप देख सकते हैं, ये CUN है यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और ये SC कैटेगरी की है जो कि BHMS मिली है। तो गाइज, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे ST कैटेगरी की किस रैंक पर मिली थी। तो यहाँ देख सकते हैं ये जो रैंक है 2,24,108, तो यहाँ पर जो है ST कैटेगरी को BHMS मिल गई थी, BHMS अलॉट हो गई थी। तो गाइज, हमने यहाँ पर देख लिया कि किस रैंक तक जो है कॉलेजेस मिली है मॉपअप राउंड में। तो गैस, इसीलिए आप लोग हार मत मानना, और अगर आपको स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकेंड राउंड में सीट नहीं मिलती है तो आप लोग मॉपअप राउंड तक ज़रूर जाना। तो गैस, आप यहाँ पर और भी देख सकते हैं, ये MNG कोटा है, मैनेजमेंट कोटा है, और तो जितना भी यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी और गवर्नमेंट कॉलेजेस थी, इसका मैंने आपको बता दिया। और भी काउंसलिंग से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन होंगे वो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, और लास्ट वीडियो पर भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था आप लोगों का, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा आप लोग मेरे से कनेक्टेड हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर।